गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि यार CI/CD पाइपलाइन के लिए जेनकिंस इंस्टॉलेशन कैसे होती है, बाकी के जो सारे टूल्स हैं उन्हें हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। यानी आज हम बुनियाद बनाने वाले हैं अपने CI/CD प्रोजेक्ट की, जो हमें अगले लेक्चर्स में करना है आने वाले, उसके लिए आज हम बुनियाद सेट करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन किन चीजों की, किन किन टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, उन्हें हमें कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपसे माफी चाहता हूं कि लेक्चर्स काफी डिले हो गए हैं, महीने दो महीने से। कुछ लोगों को रीजन पता भी है, चले पता है तो बड़ी अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो भी वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब हम खुद क्या बताएं अपनी दास्तां, चले अच्छी बात है। पर मैं हमेशा से वही बात कहता हूं कि इंसान को जब देर लगती है, जब कुछ डिले होता है, तो कोई ना कोई वजह होती है। वो एक सी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं भी ऐसे ही नहीं गया था, कोई वजह थी जिस वजह से मैं बिजी था। बट हाँ, अब हम इसको करने वाले हैं। ओ, मैं टाइटल लिखना भूल गया। तो टाइटल इसका क्या है? CI/CD पाइपलाइन पार्ट 1। तो CI/CD पाइपलाइन प्रोजेक्ट आप इसे कर दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी ये बुनियाद है, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट 1 कर रहा हूं। तो इस बुनियाद में हमने क्या करना है, मैं आपको एक बार पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले हमने हमारे कुछ टूल्स पे काम करना है, उन्हें हमें डाउनलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के ऊपर गिट को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हमने उसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। अभी हम क्लाउड पे कुछ काम नहीं कर रहे, लोकल लैपटॉप पे काम करेंगे, तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। गिट डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जावा की हमें जरूरत पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको पहले डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद हम उस पर कुछ कॉन्फ़िगर भी करेंगे। कुछ चीज़ें हमने करनी पड़ेंगी, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके वो काम भी हमने करना है। जब ये काम हो जाएगा तो फिर आपने मैवन पे काम करना है। मैवन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसे आपने डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम सीधा कन्फिगर कर देंगे। बात समझ आ रही है? और इसके बाद इन सब का बाप जो एक्चुअल में हमने जिस पे सबसे ज्यादा काम करना है, जो CI/CD पाइपलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, वो है जेनकिंस। तो जेनकिंस को भी हमें वही करना है। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम उसको कॉन्फ़िगर कर लें, या आप कह लें कि हमने उस पे काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी काम आज हमने करने हैं। तो सबसे पहले गिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने गिट को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। मैं आपको पहले स्टेप्स लिख देता हूं, उसके बाद मैं सीधा लैब पे लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि गिट को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल आपको अपनी मशीन के ऊपर करना है। तो सबसे पहले हमें हमारी मशीन पे इंस्टॉल करना है गिट, जिसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे बड़े इजी स्टेप्स हैं। आप लैब भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब आप इस लैब की प्रैक्टिस करें तो स्टेप्स आपके सामने हो। करना कुछ नहीं है, अपने लैपटॉप में जाएंगे, गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, वहां पे गिट डाउनलोड, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल लिंक नजर आएगा गिट SCM डाउनलोड का। वहां पे जाने के बाद आपने लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देखें तो वर्जन चेंज होता रहे, पर जो भी अपडेटेड वर्जन दिखा रहा है उसे आपने डाउनलोड करना है। तो अभी जैसे कि 2.3.1 है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद आपने उसे ओपन करना है, उसे डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल करने के जो स्टेप्स आएंगे वो करने हैं। बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं, वो भी मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल आएगा, उसको आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद अपने आप वो ये पाथ ले लेगा, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट नाम से एक फोल्डर बनाएगा। आपने कुछ नहीं करना, ये सब वहां पर हो रखा होगा। आप नेक्स्ट करते जाएं। जो चीजें आपने सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने यहां पे
Git from the command line and also from the third party software. ये select करना है, यहाँ पे दो तीन option आपके पास आएंगे तो आपने ये वाला select करना है. उसके बाद use the open SSL library, by default होगा उसी को आप ले लें. उसके बाद ये option आपको select करना है, check out as is commit Unix style line and coding. Second number का ये option होगा I think वहाँ पे, तो ये आपको select करना है. तो कुछ बुनियादी जो options आपको select करने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, so that जब आप lab करें तो आपके लिए easy हो जाए. इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, installation process है, but उसमें कहां क्या चीज हमें सिलेक्ट करनी है वो मैंने यहां पे लिख दिया है. जैसे कि बाद में यूज mintty सिलेक्ट करना है, उसके बाद चूज डिफॉल्ट बिहेवियर में कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दें. फिर इस पे भी आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको इसको टिक करना है. टिक करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे, आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल होने के बाद आपको एक गिट बैश आपके डेस्कटॉप पे नजर आएगा, जहां पे आप अपनी लिनक्स कमांड चला सकते हैं. गिट को इसको डाउनलोड करने का बेनिफिट ही है, देखिए लिनक्स अगर हम कर रहे होते तो वहां पे गिट को डाउनलोड करना बहुत आसान है. आप जानते हैं yum install git hyphen y लिखेंगे, गिट डाउनलोड हो जाता है. यहां पे इसको विंडोज के लिए अगर हमने डाउनलोड करना है तो अलग प्रोसेस है, वो इस तरीके से फॉलो करके गिट डाउनलोड होता है और गिट बैश एक बन जाता है. क्यों बन जाता है? क्योंकि गिट तो लिनक्स को सपोर्ट करता है पर हमने विंडो पे चलाना है, तो गिट बैश एक यूटिलिटी है, एक तरीके का ऐसा तरीका है जिसके थ्रू विंडो पे रहते हुए आप लिनक्स कमांड चला सकते हैं गिट की सारी तो गिट बैश के थ्रू हम वो सारी कमांड्स रन कर सकते हैं. वो काम होने के बाद आप अपने मशीन के लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे विंडोज के अंदर, मैं लैब पे करके दिखाऊंगा सब कुछ. वहां पे आपने इन तीन कमांड को इस्तेमाल करना है. ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, गिट के अंदर एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं और उसकी ईमेल आईडी वहां पे डाल रहे हैं. तो गिट कॉन्फिग हमें करना है और उसके बाद हाइफन हाइफन ग्लोबल स्पेस देके यूजर डॉट नेम, जो हम लिनक्स में भी करते थे, और उसको नाम देना है यूजर को भूपिंदर. ऐसे ही हाइफन हाइफन ग्लोबल करेंगे, यूजर डॉट ईमेल आप लिखेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आप लिख देंगे, जो भी आपकी आप देना चाहते हैं. आप गलत भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, बट आप अपनी कोई जो आप यूज कर रहे हैं उसको दे दें तो बेहतर है. तो टेक्निकल गुफ्तगू 99@gmail.com जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी यहां पे लिख दी है. उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं मेरी ग्लोबल लिस्ट, ग्लोबल लिस्ट से क्या पता चलेगा, आपने जो क्रिएट किया है वो सही है नहीं है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो क्रिएट हो गया है नहीं हो गया. तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल स्पेस हाइफन हाइफन लिस्ट, तो अपने आप ये दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी. यूजर डॉट नेम में भूपिंदर आ जाएगा, ईमेल में आपका जो ईमेल आपने डाली है वो आ जाएगी. यानी गिट पे आप काम कर चुके हैं. आप गिट वर्जन चेक करना चाहें आप यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं. गिट हाइफन हाइफन वर्जन आप स्पेस देके अगर लिखेंगे गिट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो ये आपको गिट का वर्जन भी दिखा देगा. तो कमांड प्रॉम्प्ट में सारी चीजें मैं आपको लैब पे करके दिखाऊंगा. बहुत ज्यादा बोर्ड पे वक्त लेने का कोई फायदा नहीं है, सीधा लैब पे चलते हैं और देखते हैं ये सारा काम कैसे होगा. तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और अभी ये गूगल क्रोम मैंने खुला हुआ है. आप किसी भी विंडो पे ये कर सकते हैं, चाहे आपका विंडो होम एडिशन है, विंडोज ऑफिस है, वो सॉरी प्रो है, या कोई और एडिशन है, किसी पर भी आप कर सकते हैं. विंडो 10 है फिलहाल, ये मेरी विंडो 10 होम एडिशन, तो इसके ऊपर मैं ये लैब कर रहा हूँ सारी की सारी CI/CD की. तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और सर्च करना है गिट डाउनलोड. तो देखें आपको ना ये पहले ही एक ऑफिशियल लिंक नज़र आएगा जिसमें कि http://git/scm.com करके है. ये आपको इस ऑफिशियल लिंक को ही क्लिक करना है. यहाँ पे आपको देखें ये इस तरह की गिट की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी और यहाँ पे ये कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड 2.31.1 फॉर विंडोज. तो आपने यही ऑपरेटिंग ये जो सॉरी गिट का वर्जन है ये आपको डाउनलोड कर रहा है. जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करिए डाउनलोड के ऊपर, तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा. तो ये देखिए ये अपने आप डाउनलोड हो रहा है. 47.6 MB की फाइल है, ये डाउनलोड भी हो गई है. तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, यहीं पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें आएंगी, प्रीएम्बल आएगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें. फिर ये इनका ये कह रहे हैं कि भैया ये कहाँ इंस्टॉल करना है. तो ये डेस्टिनेशन लोकेशन है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट के नाम से एक फोल्डर बना देगा. हम कहते हैं ठीक है, आप नेक्स्ट कर दो. अब ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट वुड यू लाइक, क्योंकि ये मैंने पहले भी काम करके देखा था इसीलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. आपके केस में नहीं कहेगा, तो आप ये अब मेरे से जैसे कह रहा है क्योंकि मैंने ये अनइंस्टॉल कर दिया आपको दोबारा दिखाने के लिए, बट फोल्डर वहां पे बना रह गया होगा तो कोई मसला नहीं है. आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आप तो नेक्स्ट करेंगे नॉर्मली आगे पहुंच जाएगा. मैं यहां पे कर देता हूं ठीक है जी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं दोबारा इंस्टॉल करना चाहता हूं, यस कर दें. उसके बाद ये कुछ डिफॉल्ट चीजें आएंगी कि आप क्या क्या चाहते हैं. आप गिट बैश चाहते हैं, गिट GUI चाहते हैं, LFS चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं. और अगर आप एडिशनल आइकन चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप ऑन डेस्कटॉप, तो आपको ये भी मिल जाएगा. आप नेक्स्ट करें.
अब ये कहता है जी सेटअप विल क्रिएट द प्रोग्राम शॉर्टकट टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट इफ़ यू वुड लाइक टू सिलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर क्लिक ब्राउज। तो हम कहते हैं नहीं आप गिट के अंदर ये सब सेटअप कर दो तो आप नेक्स्ट करें। अब ये यूज़ VIM आ रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट एडिटर, ये भी ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे लेट गिट डिसाइड और दूसरा है ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच नेम। तो यहाँ पर भी आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दें, लेट गिट डिसाइड और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें गिट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेकेंड नंबर का, यही रिकमेंडेड भी है, तो आप इसी को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अब दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, यूज़ दी SSL लाइब्रेरी और यूज़ दी नेटिव विंडो सिक्योर चैनल लाइब्रेरी। यहाँ पर भी आप डिफॉल्ट रहने दें, यूज़ दी ओपन SSL लाइब्रेरी और नेक्स्ट करें। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करें, चेकआउट एज इज कमिट यूनिक्स स्टाइल लाइन एंडिंग्स, और इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर यूज MinTTY आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास हैं, डिफॉल्ट आप ले लें। उसके बाद यहाँ पे ये गिट क्रेडेंशियल मैनेजर कोर अभी एक नया फीचर आया है या नया एक ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है, तो यही आप ले लें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग आप करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करें और इंस्टॉल ये आपका हो जाएगा। इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें आप, तो ये आपका अब इंस्टॉल हो रहा है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो ये मेरा गिट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या व्यू रिलीज नोट्स आपको देखने हैं, मैं कहता हूँ नहीं देखने, आप इसे रहने दें और फिनिश कर दें। तो गिट मेरा इंस्टॉल हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए आपको ना डेस्कटॉप पे गिट बैश नज़र आ रहा होगा, देखें ये, और ये गिट बैश किस लिए होता है कि ये आपको ये इस तरह की पावर प्रोवाइड कराता है कि यार आप ना विंडोज़ पर रहते हुए भी लिनक्स की कमांड चला सकते हैं। गिट बैश का सबसे बढ़िया बेनिफिट यही होता है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी ना। यहाँ पे आप ls करोगे तो ये आपको इसका आउटपुट देगा, एरर नहीं देगा। ये देखें जो भी कुछ मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है ना, वीडियोस नाम का फोल्डर पड़ा है, स्टार्ट मेन्यू भी है और पिक्चर्स भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी है ना यहाँ पे, ये सारी दिखा रहा है। तो ये एक बेनिफिट है, देखें डेस्कटॉप में ना मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और जो मेरे फोल्डर्स हैं वो भी ये दिखा देगा। तो इस तरह की चीज़ें आप ls करेंगे तो ये दिखा देगा, यानी लिनक्स कमांड पर एरर नहीं देगा। अगर यही चीज़ मैं कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करूं, मैं cmd जाऊं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और यहां मैं ls दूं, तो ls कमांड में ये क्या कह रहा है कि ls इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्यों? क्योंकि विंडो नहीं समझता। तो गिट बैश का यही फ़ायदा है कि उस पर आप लिनक्स कमांड चला सकते हैं और वो उसको रिजल्ट भी दे देता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। अब देखें मैं अगर यहां पे गिट वर्जन चेक करूं तो मैं गिट वर्जन भी आपको दिखा देता हूं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये देखें गिट वर्जन क्या आ रहा है, 2.31.1, ठीक है। तो ये मेरा गिट वर्जन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। अब यही चीज़ अगर मैं गिट में गिट बैश में चेक करूँ, मैं गिट बैश ओपन करता हूँ और यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पे मैं अगर गिट वर्जन डालूँ तो देखें मुझे क्या नज़र आ रहा है, गिट वर्जन 2.31.1। तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है। तो ये दोनों तरफ आपको नज़र आता है, लेकिन मैंने आपको गिट बैश का फ़ायदा बता दिया कि यहाँ पे लिनक्स की कमांड चल जाएंगी जबकि कमांड प्रॉम्प्ट में लिनक्स की कमांड नहीं चलेंगी। तो गिट बैश को अब हम क्लोज कर देते हैं, दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में चल के कुछ जरा बेसिक काम कर लेते हैं, तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वो हम अपने गिट बैश से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अब कमांड प्रॉम्प्ट में भी हमारी गिट की कमांड चल जाएंगी, तो अब हम यहाँ पे गिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में चलकर ही। गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद आपने लिखना है -- ग्लोबल नेम, देने के लिए ग्लोबल लिखें, फिर यूज़र डॉट नेम लिख लें। उसके बाद नेम क्या देना चाहते हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमा में दे दें, मैं कहता हूँ टेक्निकल गुफ्तगु मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें, आप एंटर करें। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब वो कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब मैं दूसरी कमांड देना चाहता हूँ तो मैं करता हूँ गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद दोबारा -- लगा के ग्लोबल आप लिखें, उसके बाद स्पेस देके यूज़र डॉट मेल आप करें और इन्वर्टेड कॉमा में अपनी मेल आईडी डाल दें। तो मैं डालता हूँ technicalguftagu99@gmail.com। यहाँ पे आप अपनी असली ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप अपनी कोई जो एक्टिव हो आपकी वो डाल दें तो बेटर है, क्योंकि कई बार हेल्प भी हमें मिल सकती है, काम पड़ सकता है इस चीज़ का। तो मैंने अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डाल दिया टेक्निकल गुफ्तगु की 99@gmail.com। उसके बाद आप एंटर करें तो ये भी एग्जीक्यूट हो गई है, इसलिए कोई एरर नहीं आया।
अब आप एक और कमांड चलाएं, गिट कॉन्फ़िग लिखें आप, उसके बाद यहाँ पे हाइफ़न हाइफ़न लगा के ग्लोबल लिखें, स्पेस दें हाइफ़न हाइफ़न लिस्ट, ठीक है। तो मैं स्पेस मैंने यहाँ भी दिया है, गिट लिखने के बाद स्पेस है, फिर कॉन्फ़िग है, स्पेस है, उसके बाद हाइफ़न हाइफ़न ग्लोबल, स्पेस हाइफ़न हाइफ़न लिस्ट। मैं इसीलिए सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको एरर ना करे कमांड लिखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का नहीं होगा, तो उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी बात बताता हूँ कि स्पेस कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसको भी ज़रा मैं एंटर करके देखता हूँ। तो देखें ये क्या दिखा रहा है, जो जो चीज़ें मैंने डाली थी वो दिखा रहा है कि यूज़र नेम क्या है, टेक्निकल गुफ्तगू है, यूज़र ईमेल क्या है, यूज़र ईमेल, आई थिंक ये मेरी पुराने वाले की ईमेल उठा रहा है ये, ठीक है। तो यूज़र ईमेल ही मुझे यहाँ पे अपडेट करना था, तो यहाँ पे ईमेल आना चाहिए मेरा, एक्चुअली भी अपडेट हुआ नहीं, मैं एक मिनट, यहाँ पे मुझे इस कमांड में मेल के साथ ईमेल करना था एक्चुअली, और एंटर करना था। अब मैं अपनी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है, मेरा ईमेल क्या आ रहा है, टेक्निकल गुफ्तगू 99 अपडेट हो चुका है, ग्लोबल यूज़र नेम और मेरा ग्लोबल नेम, ठीक है, दोनों चीज़ें मेरी हो गई हैं। मैं अब इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा गिट का काम पूरा हो चुका है। अब मैं दोबारा से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम करना है मेरे जावा के ऊपर। तो पहले मैं आपको उसके स्टेप्स बता देता हूँ, फिर हम यहाँ लैब में आके काम करते हैं। गिट की डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कैसे है वो हम देख चुके हैं। अब मैं आपको अगला स्टेप बताने जा रहा हूं कि जावा को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। बेहद आसान है, आप गूगल क्रोम में जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे जावा डेवलपमेंट किट, तो आपको ओरेकल की एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, क्योंकि जावा जो है वो अब ओरेकल का ही प्रोडक्ट है। तो वहां पे आपने जाना है और जैसे ही आप वहां जाएंगे आपको नजर आएगा डाउनलोड जावा, ऐसी करके वहां पे नजर आ जाएगा आपको कि ये आपने डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करना है, जो कि उनका 16 अभी जेडी के वर्जन चल रहा है, जेडी के वर्जन 16। जब आप उस पे जाएंगे तो आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वो दिखाएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप जेडी के 16 डाउनलोड करना चाहते हैं। वहां आपको सिलेक्ट करना है विंडोज 64 बिट, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी वो फाइल जो है वो डाउनलोड होने लग जाएगी सिस्टम के अंदर। एक बार वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बेसिक से स्टेप होंगे उस पे क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, जो चीज वो मांगे उसको यस कर दें और इंस्टॉल कर लें, आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कैसे करना है कोई मसला नहीं है, कोई टेक्निकल बंदा है नॉन टेक्निकल बंदा है सबको समझ आएगा, टेंशन ना लें। फिर भी अगर आपको इस लैब के बाद इस लेक्चर के बाद ये महसूस हो कि सर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या हमें लेक्चर मुश्किल लगा है, तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम उसमें इंप्रूव कर सकूं। आइडिया भी जरूर दीजिएगा कि क्या चीज मिसिंग है। वैसे आई होप मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि आपको सबसे इजी वे में समझा सकूं, और अगर यकीनी तौर पे आपको ये इजी लग रहा है या लगे बाद में करने के, तो जरूर मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपने करना क्या, एक बार जावा आपका इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम के ऊपर, उसके बाद आपने अपने लैपटॉप की सी ड्राइव में जाना है। हमारे विंडोज के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव बनी होती है, तो आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव में होता है। सी ड्राइव में आप जाएंगे तो आपको प्रोग्राम फाइल्स नजर आएगा, प्रोग्राम फाइल 86 में नहीं जाना है, वहां आपको दो नजर आएंगे, आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, वहां पे आपको जावा नजर आ रहा होगा, जावा के अंदर आपको जेडी के 16 नजर आएगा, जेआरई नजर आएगा, दो फाइल नजर आएंगी, आपको जेडी के 16 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, आप जब उसके अंदर चले जाएंगे ना, उसके बाद ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे उसका एक पूरा पाथ, जिसे हम लोग कहते हैं पूरा एग्जैक्ट पाथ एक आप कह ले, मैं उसकी एग्जैक्ट वो भूल रहा हूं, आपने उस पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है, मैं लैब में करके दिखाऊंगा। उसे कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप लैपटॉप की मशीन में जाएंगे, वहां पे सर्च का ऑप्शन होता है नीचे आपकी विंडोज में, वहां आप सर्च करें सिस्टम वेरिएबल, जैसे ही लिखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, आप वहां पे एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करिएगा तो आपको ये नजर आ जाएगा एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है एक्चुअली। देखो इंस्टॉल हो गया, ठीक है, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, लेकिन अब इसे कॉन्फ़िगर करना है जावा को। कुछ चीजें हैं जो हमें सिस्टम को बतानी पड़ेंगी एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके, तो आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, वहां आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। दोनों ही जगह पे आपने करना क्या है, पहले आप यूजर वेरिएबल के न्यू में जाएं, वहां जाके वेरिएबल नेम डिफाइन कर दें,
जावा अंडरस्कोर होम, कैपिटल लेटर्स में जावा अंडरस्कोर होम आपको लिखना है, सेम ही लिखना है। उसके बाद आप वेरिएबल वैल्यू में जो पाथ अभी हमने कॉपी किया था, जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको यहां पेस्ट करना है। यही काम दोबारा हमें इस यूजर वेरिएबल के नीचे सिस्टम वेरिएबल का पोर्शन नजर आ रहा होगा वहां पे करना है। आप वहां जाएंगे, न्यू में जाएंगे और वहां पर भी आप वेरिएबल नेम में जावा अंडरस्कोर होम लिखेंगे और वेरिएबल वैल्यू में आप उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। मैं लैब में करके दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। स्टेप इसलिए लिख रहा हूं सिर्फ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप जब फ्यूचर में खुद से लैब करें तो आप इसको देख के कर लें, बार बार वीडियो पे ना जाना पड़े। आपके काम को मैं ज्यादा से ज्यादा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ गो इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स। जब ये काम आप कर लें, दोबारा आपने अपने सी ड्राइव के अंदर जावा में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, जावा में जाना है और जावा में जाने के बाद जेडीके के अंदर जाने के बाद आपको बिन नाम का फोल्डर नजर आएगा, उस पे आप क्लिक करें। जब क्लिक कर लेंगे फिर आप उसके ऊपर वाले हिस्से में जाएं और जैसे ही वहां क्लिक करेंगे एक पाथ बना आ जाएगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा ये, यानी एक एग्जैक्ट पाथ नजर आ जाएगा ना आपको इस तरीके का कि पहले हम सी ड्राइव में गए, फिर हम प्रोग्राम फाइल्स में गए, फिर हम किसी और चीज में गए, फिर इस चीज में गए, वो एग्जैक्ट पाथ आ जाता है। उस पाथ को कॉपी करना है, दोबारा आपने सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है। इस बार आपने सिस्टम वेरिएबल में जाके पाथ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये आपको वहां मैं दिखाऊंगा लैब में, और इसके अंदर जाके न्यू पे जाना है और इस पाथ को बिन वाले पाथ को पेस्ट कर देना है। ठीक है, होने के बाद जावा मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, मेरी मशीन समझ गई है जावा का कौन सा काम कहां से करना है, कैसे करना है, कहां स्टोर करना है, उसको सब समझ आ गया है। अब अगर मैं ये चीज चेक करना चाहता हूं अपने कि मेरा जावा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं हुआ है, इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो आप क्या करें, अपनी लैपटॉप की मशीन में जाएं और वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपने ये कमांड चलानी है, इको लिखना है, उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाना है, कैपिटल लेटर्स में जावा अंडरस्कोर होम लिखना है, जो नाम मैंने यहां पे दिया था वो नाम आपने यहां देना है और परसेंटेज के अंदर फिर बंद कर देना है। ये कमांड चलाने के बाद आप जैसे ही एंटर दबाएंगे आउटपुट में वो आपको बता देगा, जी जनाब ये फाइल यहां पड़ी हुई है, जावा होम आपका प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है और इसका पाथ जो है वो ये है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि मेरा जावा डाउनलोड, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर तीनों काम हो चुके हैं। तो यानी मैंने अब तक गिट को भी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, जावा को भी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। तीसरा स्टेप आता है मैवन। मैवन बेहद आसान है, छोटे से स्टेप्स हैं, एक बार वो भी लिखकर आपको समझा देता हूं। तो उससे पहले ये आपको समझ आ गया तो इसको अब हम लैब में करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं मैवन बताता हूं। तो ठीक है जी, मैं अपने लैब पे आ गया हूं। अब यहां पे आप सर्च करें जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड, ये आप सर्च करें। तो यहां पे आपको जावा का एक ऑफिशियल ओरेकल की वेबसाइट पे दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आ रहा है जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन JDK डाउनलोड, यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस JDK डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे 16 वर्जन है, 15 वर्जन भी है, 11 भी है, तो काफ़ी सारे वर्जनस हैं, 8 भी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्जनस यहाँ पे हैं, तो LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है ये। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं, हम 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, बहुत सारे वर्जन है। तो मैं 16 ले लेता हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ JDK डाउनलोड, क्योंकि लेटेस्ट यही है। अब यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि भैया आपको जो JDK डाउनलोड करना है ये किस मशीन के लिए करना है। तो मैं कहता हूँ मुझे विंडो के लिए करना है, तो विंडोज़ 64 इंस्टॉलर आपको यहाँ दिख रहा होगा आपकी मशीन में, आपको ये 150 MB का दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। ये डाउनलोड फाइल है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इस पर आप क्लिक करें ये डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। तो मैं यू मस्ट एक्सेप्ट दी पॉलिसी, ठीक है भैया हमने पॉलिसी कर ली, और इस पर डाउनलोड पे अब आप क्लिक करें तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है 150 MB की। एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो ये मेरी जावा फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी यहाँ दो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया अपना नेट का, तो ये कैंसिल हो गया था, मैंने दोबारा डाउनलोड कर दिया है। तो आपकी भी डाउनलोड हो जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे कह रहा है जी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जी बिल्कुल करना चाहते हैं, नेक्स्ट करें। यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, हमें फ़िलहाल यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट करें। और जी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और अब आप इसे क्लोज़ कर दें तो आपका जावा का काम भी पूरा हो चुका है। क्लोज़ करें यहाँ पे। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें जावा स्पेस हाइफन वर्जन और एंटर करें। तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है कि भैया जावा का वर्जन 16 आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है,
ये जी मेरा इंस्टॉल हो गया है और अब हमें जावा को कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको आप क्लोज करें। आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं या आपको इस तरीके का दिस पीसी नाम से विंडो 10 में दिख रहा होगा, इस आइकन पे क्लिक करें ताकि आप सी ड्राइव में जा सकें। सी ड्राइव में आपको जाना है, सी ड्राइव पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपने जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, ये वाली प्रोग्राम फाइल्स, ये 32 बिट का होता है, 86 का मतलब ना 8086 प्रोसेसर लगा होता है तो वो वाला है ये। तो प्रोग्राम फाइल्स पर जाते हैं और इस पर क्लिक करें आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें आपको ना जावा नाम का एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा आपके केस में, ठीक है, आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, JDK नज़र आ रहा है और JRE नज़र आ रहा है। तो अब आप एक काम करें, आप ना JDK पे क्लिक कर लें, कर दिया, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ क्लिक करना है इस जगह पे। तो देखिए इसका ना पाथ आ जाएगा, इस पाथ को आपने Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया, यानी ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अब आप अपने लैपटॉप में यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जो नीचे नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे सर्च करें एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये आप सर्च करें अपनी मशीन पे लैपटॉप में, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखें दो ऑप्शन है आपके पास, यूज़र वेरिएबल्स हैं, सिस्टम वेरिएबल्स हैं, दो चीज़ें हैं। तो यूज़र वेरिएबल में फ़िलहाल मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, कैपिटल में देना है आपको, java_home, यही नाम आपको देना है। उसके बाद वेरिएबल वैल्यू में मैंने जो अभी पेस्ट किया है पाथ, वो पाथ मैं डाल देता हूँ Ctrl+V करके और ओके कर देता हूँ। तो ये काम मैंने कर दिया। अब यही काम आप यहाँ सिस्टम वेरिएबल में भी करेंगे। सिस्टम वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर भी आप लिखें java_home और यहाँ पर भी आप यही पाथ पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद ओके कर दें, यहाँ पर भी ओके कर दें और यहाँ पर भी ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पर ना ये बिन नाम का फोल्डर है JDK के अंदर, तो इस बिन पे अब आप क्लिक करें और अब यहाँ पर जो पाथ आया है बिन वाला पाथ, इसको आप Ctrl+C करके पेस्ट कॉपी करें और कॉपी करने के बाद दोबारा अपने एनवायरमेंट ओपन करें, एनवायरमेंट वेरिएबल, तो ये आ जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको पाथ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें पाथ, इस पाथ पे आप क्लिक करें तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस न्यू पे आप क्लिक करें तो यहाँ आप एक और पाथ ऐड कर सकते हैं। पहले से बहुत सारे पाथ पड़े हैं, तो अभी जो पाथ मैंने बिन वाला कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दें यहाँ पे, मैंने पेस्ट कर दिया देखें, ठीक है, एंड में बिन है और यहाँ पे आप ओके कर दें और यहाँ पे ओके कर दें। मैंने बता दिया है इसको कौन सा काम कैसे कहाँ पे पाथ होना है, तो हम इसे एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और मैं बड़े आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये करने के बाद आप ओके कर दें, क्लोज कर दें। अब हमने जो काम किया है वो हमने सही किया है नहीं किया है ये चीज़ वेरीफाई करना चाहते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा जाएँ और चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लिखो इको, तो मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ इको, और परसेंटेज के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा java_home, क्या मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है? आ रहा है, देखिए मेरे पास आ गया है जावा, मेरे को इसने बता दिया कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा है, उसके अंदर JDK 16 है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा ये काम हो चुका है, जावा कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैंने अभी तक क्या किया, गिट को कॉन्फ़िगर कर दिया, इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया और सॉरी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जावा को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है मैवन, मैवन पे क्या करना है वो देख लेते हैं, तो वो देखने के बाद मैं आपको लैब कराता हूँ। मैवन पे काम करना और भी आसान है। अब मैं अपना गिट भी डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ, जावा भी कर चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैवन पे कैसे करना है काम। तो मैवन के लिए बड़ा सिंपल सा है, आप गूगल क्रोम में जाएं और वहां पे सर्च करें maven.apache.org, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको बाइनरी जिप आर्काइव को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके इसमें आगे एक लिंक होगा, उससे आप कॉपी करके डाउनलोड, उस कॉपी भी नहीं करना, उस पर क्लिक करें वो डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपकी जहां डाउनलोड हुई है आपने वहां जाना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, वहां पे एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। एक्सट्रैक्ट फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो
आपसे वो पूछेगा कि ये फाइल आप कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे एक पूरा पाथ आ रहा होगा, उसे हटा के आपने बस सी ड्राइव और उसके आगे डेव टूल्स लिख देना है। ये मैं आपको लैब में सब करके दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी। और उससे क्या होगा कि वो सारा जो भी फाइल एक्सट्रैक्ट होंगी वो इस डेव टूल्स नाम के फोल्डर में सेव हो जाएंगी या पहुंच जाएंगी। पहुंचने के बाद अब आप सी ड्राइव में जाएं, वहां पे डेव टूल्स नाम का फोल्डर बन चुका होगा, उसके अंदर जाएं, वहां पे आपको अपाचे मेवन नाम की फाइल नजर आएगी जो एक्सट्रैक्ट होकर वहां पर आ गई है, उसको ओपन करें। उसके अंदर जाने के बाद, उसको ओपन करने के बाद आप जब ऊपर वहां पे आपको उसका एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करें, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा वही काम करना है, अपने सिस्टम में जाएं, वहां पे एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे और वहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ये दो काम करेंगे। वेरिएबल नेम में लिखना है आपको m2 underscore home कैपिटल लेटर्स में, और वेरिएबल वैल्यू में आपको लिखना है, लिखना नहीं है, वेरिएबल वैल्यू में आपने जो पाथ यहां पे कॉपी किया है, ये वाला पाथ, वो आपने यहां पेस्ट करना है। करने के बाद अब आपने क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है, वहां पे आप जो आपका अपाचे मेवन फोल्डर था, यानी आप सी ड्राइव में गए, डेव टूल्स के अंदर गए, यहां पे अपाचे मेवन नाम का फोल्डर था, इसके अंदर बिन नाम का एक फोल्डर होगा, उस पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर पहुंचने के बाद उसका पाथ कॉपी करेंगे और दोबारा आप अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आएंगे, और वहां आने के बाद सिस्टम वेरिएबल में आपको जाना है। सिस्टम वेरिएबल में जाने के बाद आप न्यू पे जाए, सॉरी पाथ पे जाएंगे, न्यू पे नहीं जाना है, पाथ पे जाना है, पाथ का ऑप्शन होगा, वहां सिलेक्ट करें, वहां पे आप न्यू में जाएं और इस पाथ को जो आपने यहां कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दें, ठीक है, ये जो आपने कॉपी किया था बिन वाला पाथ, वो आप यहां पेस्ट कर दें। ये सारा काम होने के बाद बड़ा आसान है, लैब में जब मैं करके दिखाऊंगा चुटकियों में हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कि मेवन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेवन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डाउनलोड करो और सीधा फाइल एक्सट्रैक्ट करके उसे कॉन्फिगर कर दो। तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा अपने लैपटॉप के, और वहां पे मैं पहले मेवन का वर्जन चेक कर लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए मेवन मेरे सिस्टम पे है भी या नहीं है। तो जैसे ही मैं मेवन mvn स्पेस देके हाइफन वर्जन लिखूंगा और एंटर करूंगा, मेरे पास मेवन का वर्जन नजर आ जाएगा, यानी मशीन में वो पड़ा हुआ है और मशीन जानता है कि यह मेरे पास है। उसके बाद आपने अगर उससे रेस्पॉन्स चाहिए मेवन से, तो आप क्या करेंगे, आप यही कमांड लिखेंगे, इको स्पेस देके परसेंटेज के अंदर, दो बार परसेंटेज साइन है, उसके अंदर m2 अंडरस्कोर होम लिखना है, जो नाम मैंने यहां पे दिया था, तो मैं उससे रिस्पांस मांग रहा हूं। तो अब जैसे ही मैं करूंगा मेरे पास रिस्पांस आएगा, तो इसका मतलब है कि मेरा सही चल रहा है, मेरा काम हो रहा है, ठीक है, मेरा M2 का, मेरा मेवन काम कर रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद जो हमारी अगली स्टेप होगी वो होगी हमारी क्या, जेनकिंस। तो पहले मैं आपको ये सारे स्टेप्स करा देता हूं, उसके बाद क्या करना है, जब ये काम हमारा लैब में हो जाएगा, अभी हम ये करके देख लेते हैं, उसके बाद हमें हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि तीनों चीजें तरीके से सेटल हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, कॉन्फिगर हो जाए, और एक बार रीस्टार्ट हम, क्योंकि आप कोई भी बुनियादी इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो एक बार वो रीस्टार्ट मांगता है लैपटॉप का, तो वो हम कर लेंगे, क्योंकि वो रीस्टार्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है जेनकिंस। जेनकिंस को डाउनलोड, इंस्टॉल और कॉन्फिगर करना है, तो इसीलिए पहले मैं आपको लैब में ये करके दिखा देता हूं, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता हूं और उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। तो ठीक है जी, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और दोबारा गूगल क्रोम में चलते हैं, और अब हमें मेवन पे काम करना है, तो आप यहाँ सर्च करिए maven.apache.org, एंटर करिए, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अब स्मॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप ना, लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, डाउनलोड पर क्लिक करें। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल नज़र आएगी, बाइनरी जिप आर्काइव, नजर आ रही है मुझे, तो नजर आ रही है आपको, आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, चले अच्छी बात है, देख लें जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अपाचे मेवन 3.6.3.3-bin.zip करके नजर आ रहा है। तो यहाँ देखें, ये लिंक है, ये चेकसम है, ये सिग्नेचर है, तीन चीजें यहाँ पे हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर दें, तो ये क्लिक किया, देखें अपने आप डाउनलोड हो गया, ये एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। अब आपने करना क्या है, ये जहाँ डाउनलोड हुई है वहां पे हम चलते हैं, तो मैं अपने पीसी में जाता हूं और यहां लेफ्ट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास है, विंडो 10 में ऐसे ही होता है, आपके पास जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहां मुझे देखें अपाचे नाम की जो फाइल अभी डाउनलोड की थी नज़र आ रही है। आप राइट क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे, यहाँ पर देखें इसका ये पाथ ये आ रहा है कि ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ, सी ड्राइव में, यूजर्स में जाके, भुपी में जाके, डाउनलोड्स में, और यहीं पर ये इसको एक्सट्रैक्ट करके इस फाइल को यहाँ दे देगा। बट हम यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हम कहते हैं सी ड्राइव के अंदर एक आप फोल्डर बना लें,
डेव टूल्स के नाम से, और उसके अंदर आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो ये सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएगा, वहाँ एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यही काम आप भी करें और ओके कर दें। तो ये कह रहा है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, इसीलिए ये कह रहा है कि आपको करना है कि यदि फॉलोइंग फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल विद दिस वन, येस टू ऑल कर रहा हूँ मैं। आपके केस में ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले भी ये लैब की हुई है, तो मेरा वहाँ फोल्डर पड़ा हुआ होगा बना हुआ, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो मैं कहता हूँ येस टू ऑल कर दो, मैंने रिप्लेस करके कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके केस में आपको नॉर्मली नजर आएगा, तो आप वैसे कर लीजिएगा। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, और अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, अपने पीसी के अंदर चलते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं। यहाँ अब आपको डेव टूल्स नाम से फोल्डर नज़र आ रहा है, देखिए इसने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको अपाचे मेवन नज़र आएगा, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब आपने करना क्या, आपने करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपको डिफॉल्ट पाथ मिल गया, इसे अगेन कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। दोबारा वही काम करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में चलना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको जाना है, यूजर में नहीं जाना है, सिस्टम वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लिखें m2_home, ठीक है, और उसके बाद जो पाथ हमने कॉपी किया है अभी, उसे कंट्रोल वी कर दें तो वह पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ओके आप कर दें, और यहाँ पर भी ओके कर दें, यहाँ पर भी आप ओके कर दें। अब देखें अपाचे के अंदर, ये जो अपाचे वाला फोल्डर था इसके अंदर बिन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ इस बिन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये फाइलें नज़र आ रही हैं। अब आपने करना कुछ नहीं है, बिन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ ये देखें बिन वाला पाथ आ गया, इसे आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। दोबारा एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएं, यहाँ दोबारा एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करें, सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप पाथ आपको नज़र आ रहा होगा, इस पाथ पे आप क्लिक करें तो देखें ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ न्यू पे क्लिक करें और यहाँ इस पाथ को पेस्ट कर दें बिन वाले को, कंट्रोल वी कर दें, तो देखें बिन वाला पाथ पेस्ट हो गया। आप ओके कर दें, ओके कर दें और ओके कर दें, तो आपका मैवन वाला काम भी यहाँ पे पूरा हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं मैवन है कि नहीं है हमारी मशीन में, तो इसे क्लोज करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं MVN स्मॉल में लेते हैं, MVN स्पेस हाइफन वर्जन, तो देखें ये दिखा रहा है अपाचे मैवन 3.6.3। तो ये मेरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब मेरा अपाचे मैवन जो है वो भी इंस्टॉल हो गया है, कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, इस लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि ये अब सारी चीज़ें एक बार प्रॉपरली जब इंस्टॉल हो जाती हैं, कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, तो मशीन को रीस्टार्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि अब हमें सबसे मेजर काम करना है जो कि जेनकिंस को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन चीज़ों से कंपैरिजन में। इसीलिए एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लेते हैं लैपटॉप को, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मैवन तक हम लोग अब कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर चुके हैं। अब जरा एक बार जेनकिंस के स्टेप देख लेते हैं, फिर मैं आपको लैब में करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करना है। जेनकिंस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, और जेनकिंस के लिए जावा का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए हमने JDK 16 जो है वो पहले इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि उसके बिना जेनकिंस इंस्टॉल नहीं हो सकता या सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अब जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है jenkins.io पे। वहां जाके आपको ये डाउनलोड करने का मिल जाएगा। तो आप इसमें दो वर्जन आएंगे, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आएगा, एक वीकली आएगा। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसको आप सिलेक्ट करें। उसमें आपको विंडोज का ऑप्शन दिख जाएगा, उस विंडोज पे जाके आप उस जेनकिंस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लैब में करके दिखाऊंगा आपको। डाउनलोड होने के बाद कुछ नहीं करना, जहां वो डाउनलोड हुई है उसको आप ओपन करें और उसको इंस्टॉल करने की आप इंस्टॉल करें। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको कुछ नहीं करना, दो या तीन स्टेप में वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसमें भी बल्कि आप उसे एज अ नॉट रिकमेंडेड वाली जो सेटिंग है मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसके थ्रू आप उसे करिएगा एज अ लोकल सिस्टम। तो आप वो कर लीजिएगा, उसे करने के बाद जब आप कर लेंगे अपने आप जेनकिंस का पेज ओपन हो जाएगा और वो आपको URL में आपको देखने को मिलेगा लोकल होस्ट 8080, यही वो पोर्ट नंबर है जहां जेनकिंस काम करता है बाय डिफॉल्ट। तो लोकल होस्ट कॉलन 8080, जब भी आप अपने गूगल क्रोम में सर्च करेंगे अपने आप जेनकिंस का पेज ओपन हो जाएगा हमेशा जब भी, क्योंकि जेनकिंस आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप इस पाथ पे जाके जेनकिंस ओपन कर सकते हैं। तो आप जैसे यहां जाएंगे वो कहेगा कि आप अनलॉक करें इसको, पहले इस पेज को अनलॉक करें, और अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा। अब आप कहेंगे पासवर्ड तो मैंने कहीं दिया ही नहीं, तो पासवर्ड कहां मिलेगा, तो
उसी पेज पे ऊपर एक पाथ बना होगा कि सी ड्राइव में जाएं, यहाँ पे आप सिस्टम 32 में जाएं, सिस्टम 32 के अंदर आप फलाना जगह पे जाएं, फिर फलाना जगह पे जाएं, वो रास्ता लिखा होगा। वहां जाके इनिशियल पासवर्ड आपको नजर आएगा, उसको आप नोट पैड के थ्रू ओपन करोगे, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, और वहां पे एक पासवर्ड पड़ा होगा, उसे जैसे ही आप इस अनलॉक वाले पेज पे पेस्ट करके डालोगे, अपने आप जेंकिंस ओपन हो जाएगा और आगे के स्टेप आने लगेंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि क्या प्लगइन्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वहां पे भी दो ऑप्शन होंगे, तो पहला ऑप्शन होगा सजेस्टेड प्लगइन्स इंस्टॉल करने का, उसी को सिलेक्ट करके रखें और आप एंटर जैसे नेक्स्ट करेंगे, अपने आप आपके प्लगइन्स इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। वक्त लगेगा, तकरीबन आधा घंटा लग सकता है, आधे घंटे के बाद आपके सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके होंगे आपकी मशीन के ऊपर सक्सेसफुली। अगर कोई एक आधा नहीं हुआ है या दो नहीं हुए हैं तो वैसे चांसेस कम है कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा स्टेप्स करके देख सकते हैं, या फिर आप उसके साथ ही एज इट इज कंटिन्यू कर लें और आगे काम करें, हो सकता है कि उससे कोई मसला ना हो, क्योंकि सारे प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कुछ नहीं भी हो पाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर वक्त लगता है प्लगइन्स को इंस्टॉल होने में, तो आधा घंटा, 30 मिनट 20 मिनट 40 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद आप जब ये सारा प्लगइन्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं अपने केस में एडमिन ले लूंगा, पासवर्ड में एडमिन 123 ले लूंगा ताकि मुझे याद रहे। लेने के बाद ईमेल एड्रेस भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा technicalguftgu99@gmail.com और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही मैं करूंगा क्या होगा, आपको ये बोलेगा स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस, यानी जेनकिंस का सारा काम हो चुका है। अब जैसे ही आप स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस पे करेंगे, जेनकिंस का एक मेन पेज ओपन हो जाएगा जहां पे डैशबोर्ड आपको नजर आएगा, आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, आपके पास यूजर कॉन्फ़िगर करने का, मैनेज करने का ऑप्शन होगा, बिल्ड करने का ऑप्शन होगा, सारे ऑप्शंस वहां आपको नजर आएंगे। तो वो मैं आपको लैब में ही दिखाऊंगा, उनके यहां स्टेप्स लिखने का एज सच कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां मैं कई सारी चीजें आपको रैंडमली करके दिखाऊंगा। बेसिकली आज की इस लैब में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह दिखा दूं कि कैसे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यानी कोई जॉब क्रिएट की जाती है, उसको बिल्ड किया जाता है, क्या मतलब होता है, एरर आता है तो कैसे पता चलता है, सक्सेस होता है तो कैसे पता चलता है, एरर को कैसे ठीक किया जाता है, ये बुनियादी बातें जेनकिंस में आज हम करके देखेंगे लैब के अंदर, जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उसके बाद प्लगइन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, मैंने यहां सिर्फ डेफिनेशन लिख दी है कि प्लगइन्स आर स्मॉल लाइब्रेरीज दैट एड न्यू एबिलिटीज टू जेनकिंस एंड कैन प्रोवाइड इंटीग्रेशन पॉइंट टू अदर टूल्स, यानी कि ये इंटीग्रेशन पॉइंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जेनकिंस है, अब जेनकिंस को मैंने प्लगइन्स के थ्रू गिट के साथ कनेक्ट कर दिया, प्लगइन के थ्रू मैवन के साथ कनेक्ट कर दिया, प्लगइन के थ्रू मैंने और किसी के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले लें, सपोज शेफ के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी भी XYZ किसी भी चीज के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जेनकिंस के थ्रू मल्टीपल चीजों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्लगइन का मतलब ही ये है कि जेनकिंस को अगर इससे कुछ चाहिए या इसके साथ कम्युनिकेट करना है और इससे कोई डेटा उठाना है और उसको काम करने के लिए बोलना है या चाहिए, तो कम से कम दोनों के बीच में कोई पुल तो होना चाहिए ना, कोई कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, वही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये प्लगइन्स। जैसे अगर मेरे लैपटॉप के साथ मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे पास लैपटॉप में एक USB पोर्ट होता है जिसके थ्रू मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूं, तो अब ये प्लगइन प्रोवाइड करा रहा है, यानी पेन ड्राइव इसके साथ बात कर पा रही है, पेन ड्राइव का डेटा अब मुझे मेरे लैपटॉप में नजर आ रहा है, तो प्लगइन्स मेरे पास प्रोवाइड है। अगर वो पोर्ट मेरे पास नहीं है पेन ड्राइव लगाने का, तो फिर मेरा लैपटॉप पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी उन दोनों के लिए एक प्लगइन मुझे चाहिए। प्लग होता है ना, प्लग, इसीलिए प्लगइन बोला जाता है इसको, प्लग बोलते हैं ना, जैसे एक मशीन है उसका प्लग में लगाओगे तभी तो वो चलेगा। तो प्लगइन्स वही चीज है कि कनेक्ट हो रहा है आपकी एक चीज, जैसे ये मेरा मार्कर है और ये इसका प्लग है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ये मार्कर इसमें जाएगा ये चल जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना, बिजली का प्लग लगाते हैं आप, आपने हीटर चलाना है या आपने AC चलाना है तो आप उसका प्लग लगाते हैं, तो प्लगइन का मतलब ही वही है, उसके साथ कनेक्टिविटी या जो चीज उसको चाहिए वो प्रोवाइड करा रहा है। तो ये स्मॉल लाइब्रेरीज होती हैं हर, और जेनकिंस क्यों इतना पॉपुलर है, जेनकिंस के अलावा बैम्बू भी आता है, बट जेनकिंस क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि ये मैक्सिमम प्लगइन्स प्रोवाइड कराता है, यानी हर टूल के साथ ये कनेक्ट हो सकता है और उसके उसके साथ ये काम कर सकता है। सभी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ओपन कम्युनिटी है तो लोग अपने अपने प्लगइन्स कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये जेनकिंस का सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे अपने प्लगइन्स भी कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। तो
ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं सीधा अपने लैब की तरफ और इस सारे टॉपिक को फिनिश करते हैं आज के। उसके बाद अब हम आगे क्या करने वाले हैं, मैं आपको वो भी एक आइडिया बता दूं कि आज हमने ये सारा काम जो किया है ये आप अपने सिस्टम में करके रखें, बाद में आपको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप क्लाउड पे नहीं कर रहे कि आपका बिल बनेगा, तो कोई मसला नहीं है, सारी चीजें कन्फिगर हो जाएंगी। आने वाले लेक्चर्स में अब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि डेवऑप्स में इन सारे टूल्स पे कैसे काम करके कोई चीज क्रिएट की जाती है, कोई सैंपल प्रोजेक्ट बना के हम लोग देखेंगे जिससे आपको बेहतर आइडिया लगेगा कि इस पे एक्चुअल में काम कैसे होता है। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और इसको भी फिनिश करके देखते हैं। तो मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया है, अब मैं गूगल क्रोम पे दोबारा चलता हूं और यहां अब हमें जेनकिंस डाउनलोड करना है, तो आप यहां पे सर्च करिए। तो ये jenkins.io की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, तो यहाँ देखें आपको जेनकिंस का ये एक जो हमारा बड़ा खूबसूरत सा बंदा है ना, ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप अब डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपको दो तरीके के वर्जन नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, एक वीकली सपोर्ट वाला नज़र आ रहा है, तो हमने लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ डाउनलोड जेनकिंस 2.777.1 LTS फॉर है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला है, इसमें हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, देखिए थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग विंडोज़ स्टेबल इंस्टॉलर, तो ये इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है 73 MB का। एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, इस पर क्लिक करिए आप। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वेलकम टू जेनकिंस सेटअप विज़र्ड, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने इसे कहाँ इंस्टॉल करना है ये कह रहा है, तो मैं कहता हूँ जी आप डिफ़ॉल्ट जगह पे ही कर लो, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जेनकिंस नाम का फोल्डर बना के नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा ये विंडोज़ का होम एडिशन है तो यहाँ पे ना इसके अंदर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी वाला ना ऑप्शन नहीं होता, वो हमें फिर इधर उधर से कुछ इंस्टॉल करके करना पड़ेगा। तो हम ना यहाँ पे चलते हैं रन सर्विस एज लोकल सिस्टम, ये नॉट रिकमेंडेड है इसलिए क्योंकि अगर आप ये इसको रन सर्विस एज लोकल सिस्टम करते हैं तो जेनकिंस के पास आपकी मशीन के राइट्स आ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है उससे लैब करने में, तो हम इसी के थ्रू कर लेते हैं ताकि होम एडिशन में भी ये चल जाए। वैसे आप अगर यहाँ जाएं तो आप यहाँ भी चला सकते हैं, अकाउंट में आप एडमिन लिख दें, पासवर्ड में आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी का दे दें और नेक्स्ट करके देखें, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप रन सर्विस एज लोकल सिस्टम करें और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। पोर्ट नंबर 8080 ही रखना है, यही होता है जेनकिंस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। टेस्ट पोर्ट करिए आप, जैसे ही करेंगे ये टिक आ जाएगा इस तरीके का, तो इसका मतलब कि ये ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद देखें यहाँ पे सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, फिर स्लैश जावा फॉरवर्ड स्लैश जो है आपका JRE और इस तरीके की कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो ये आप एज इट इज़ रहने दें, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब फायरवॉल एक्सेप्शन ये सब है, ये भी एज इट इज़ रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। यहाँ पे इस तरह की वार्निंग आएगी तो आप यस कर दें। तो ये देखें मेरा जेनकिंस इंस्टॉल हो गया है और मैं फिनिश कर देता हूँ। तो इस अपने आप ये पेज ओपन हो जाएगा, लोकल होस्ट कॉलन 8080 प्लीज़ वेट वाइल जेनकिंस इज़ गेटिंग रेडी टू वर्क। तो ये अपने आप पेज ओपन हो रहा है डिफ़ॉल्ट पेज लॉगिन का। अगर आपके केस में ये पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने लोकल होस्ट /8080 लिखना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखें जैसे आपने सपोज इंस्टॉल कर लिया तो आप यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट कॉलन और 8080 और एंटर कर दें गूगल क्रोम में जाके। तो देखें ये अभी आ रहा है दी साइट कांट बी रीच, लेकिन ये अभी इसको रीच कर लेगा। ओह मैंने लोकल होस्ट शायद गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी। देखें अब आप एंटर करोगे ना, ये देखें आ गया ये पेज। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो आप कहेंगे सर पासवर्ड कहाँ मिलेगा, देखिए पासवर्ड का रास्ता इसने बताया है कि सी ड्राइव में जाएं, विंडोज़ के अंदर जाएं, सिस्टम 32 में जाएं, कॉन्फ़िग में जाएं, सिस्टम प्रोफाइल में जाएं, ऐप डेटा के अंदर लोकल में जेनकिंस में .jenkins के अंदर सीक्रेट्स होगा और उसके अंदर पासवर्ड होगा। तो इतना लंबा रास्ता है तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जाओ माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाओ, फिर कहाँ जाना है, कहाँ ये कह रहा है, ये कह रहा है विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद ये कहाँ कह रहा है, कहाँ जाना है, आप देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्टम 32 और फिर कन्फिग में जाना है। तो सिस्टम 32 में आप आ जाएं, ये सिस्टम 32 का फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ कन्फिग नाम का फोल्डर होगा, देखें ये रहा, इस पर आप क्लिक करें,
ये कहता है यू डोंट करंटली हैव परमिशन, तो कंटिन्यू कर दें क्योंकि मेरा तो एडमिन से ही लॉगिन किया हुआ है, आपके पास भी हो सकता है ऐसा वार्निंग आए या ना आए, तो आप कंटिन्यू कर दें। अब कन्फिग के अंदर आपने कहाँ जाना है, ये कहता है आपने सिस्टम प्रोफाइल में जाना है, आप इस पर क्लिक करें, ये फिर आपसे कहेगा परमिशन नहीं है, आप एज अ एडमिन अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ आप कंटिन्यू करिए, सिस्टम प्रोफाइल में आ गया, ऐप डेटा के अंदर आ गया, फिर मैं लोकल में आ गया। अब यहाँ पे आप जेनकिंस में आ गए, यहाँ डॉट जेनकिंस नाम का फोल्डर है, इस पर क्लिक करें और इसके अंदर आपको सीक्रेट्स नज़र आएगा, इस सीक्रेट्स पे क्लिक करें और यहाँ इनिशियल एडमिन पासवर्ड इसको टिक सिलेक्ट करें और माउस का राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप इसे एज अ नोट पैड खोल लें या एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस कर लें, कहीं से भी खोल लें आपका ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने नोट पैड प्लस प्लस से किया है। आप अगर नॉर्मल नोट पैड पर जाना चाहते हैं तो आप इसको ओपन विथ कर लें, ओपन विथ, और यहाँ पे आप नोट पैड पर सिलेक्ट करें और ओपन ओके करें तो ये पासवर्ड आ जाएगा। इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लें, ये आपका इनिशियल पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को आप यहाँ जाके एंटर कर दें और देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अच्छा ये अभी मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, ठीक है आप कंटिन्यू करें, तो देखें ये लॉगिन हो गया। अब ये कह रहा है यार कस्टमाइज जेनकिन आपको कैसे कैसे प्लगइन्स इसमें ऐड करने हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स वही होते हैं जो आपको काइंड ऑफ ऐसा समझें आपकी, क्योंकि जेनकिन्स ने काम किन के साथ करना है, जेनकिन्स ने काम मेवन के साथ करना है, गिट के साथ करना है और जितनी भी आपके अदर टूल्स हैं उन सबको कलेक्ट करके इस बंदे ने जो है ना ये एक सेंट्रल हर्ट है, जेनकिन जो होता है वो CI/CD का हर्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लगइन हमें चाहिए होगा, गिट का भी चाहिए, मेवन का भी चाहिए, ताकि ये उनके साथ गुफ्तगू कर सके, ठीक है उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सके। तो मैं कहता हूँ जो सजेस्टेड प्लगइन्स है कम से कम वो तो इंस्टॉल कर ही दो आप, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपने आप इसको प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देगा, गिट के प्लगइन को इंस्टॉल करेगा देखिए, है ना, और जो जो बेसिक बेसिक प्लगइन्स चाहिए होते हैं हमें ये वो सारे कर देगा, बाकी के आप खुद से कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो एक बार ये हो जाए काम फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो ये मेरे प्लगइन सारे ऐड हो गए हैं, उसके बाद ये आपसे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम आप इसका एडमिन रख दीजिए, पासवर्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, तो पासवर्ड भी मैं एडमिन 123 ले रहा हूँ, स्मॉल लेटर्स में है सब कुछ और मैं यही ले रहा हूँ, यहाँ पर भी एडमिन 123, फुल नेम मैं ले लेता हूँ टेक्निकल गुफ्तगु और ईमेल एड्रेस मैं ले लेता हूँ वही जो मैंने लिया था टेक्निकल गुफ्तगु 99 और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और जेनकिन URL यही हमारा रहेगा इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आपने कभी भी लॉगिन करना है तो आपने इसी URL से करना है, लोकल होस्ट कॉलन करके 8080 सेव एंड फिनिश आप कर दें। तो ये कहता है जी जेनकिन्स आपका रेडी हो गया स्टार्ट यूजिंग जेनकिन्स, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको ऐसा कुछ जेनकिन का डैशबोर्ड नज़र आएगा, टेक्निकल गुफ्तगू जिस भी नाम से आपने अपना अकाउंट बनाया है ये आपको नज़र आएगा और आप यहाँ से चाहें तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ना आपका एक पेज है, नॉर्मली जेनकिन्स आपका इंस्टॉल हो गया और वेब के थ्रू आप इसे एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसे विंडोज़ में किया है, एप्पल पे अलग तरीके का दिखेगा या लिनक्स पे अलग तरीके का, सब जगह जेनकिन्स का जो डैशबोर्ड दिखेगा वो आपको ऐसा ही दिखेगा, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। लॉगआउट अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये मैंने लॉगआउट कर दिया है। अब मैं लॉगिन कैसे करूंगा? उसी नाम से करूंगा, एडमिन मेरा यूज़र नेम रहेगा और एडमिन 123 मेरा पासवर्ड रहेगा, मैं साइन इन करता हूं तो मैं दोबारा से आ गया, वेलकम टू जेनकिन्स। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें हैं, क्रिएट अ जॉब है, न्यू आइटम्स हैं, पीपल है, बिल्ड हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। अच्छा अगर आप इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के रीस्टार्ट आप लिख दें तो ये आप जब करेंगे तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट, अगर आप येस करते हैं तो ये इसको रीस्टार्ट कर देगा। ऐसे ही आप यहाँ इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टॉप लिख दें तो ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं 8080 करता हूँ तो मैं डैशबोर्ड पे दोबारा आ गया। तो इस तरीके से आप ये सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, तो ये आइटम या जॉब जो है ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आपने कैसे ये करना है ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखें यहाँ पे ना या तो न्यू आइटम से कर लें या क्रिएट अ जॉब से कर लें, एक ही बात है। तो मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सपोज़ कोई काम करके देखना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ जी माई फर्स्ट जॉब, ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पहले भी ये काम मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे होंगे आप टाइप कर लें।
उसके बाद फ्री स्टाइल पाइपलाइन मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट गिटहब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम यहाँ पर अभी मेरे पास हैं जो मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप ओके कर दें। तो फ्री स्टाइल का मतलब क्या, जब आपको नहीं पता कि आपने काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो आप फ्री स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको पता है मैंने यही काम करना है तो फिर आप उसको डेडिकेटेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कैसा है तो आप फ्री स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल है, सोर्स कोड मैनेजमेंट है, बिल्ड ट्रिगर है, बिल्ड एनवायरनमेंट है, जो धीरे धीरे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आने वाले वीडियोस में, जब मैं आपको प्रोजेक्ट करना सिखाऊंगा CI/CD का, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं अभी सब कुछ नहीं आपको करके दिखा रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ बिल्ड करना है तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं और यहाँ पे ना आपको बिल्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ दिखेगा एड बिल्ड स्टेप, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, शेल कमांड भी हैं। आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, मैं कहता हूँ मैं कोई विंडो कमांड चला के देखना चाहता हूँ, तो एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड पे क्लिक करें और यहाँ पे वो कमांड आप टाइप कर दें, जैसे इको आप टाइप करें और यहाँ लिखें नमस्ते और इसको आप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अप्लाई करेंगे तो ये इंटरनली यहीं पर सेव हो जाएगा। देखिए ये दिखा रहा है सेव हो गया, लेकिन ये यहीं पर सेव हुआ है। और अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव करके आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये सेव करने के बाद सीधा डैशबोर्ड पे आपको ले जाएगा। अब आप यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ जाके देखो आपको माई फर्स्ट जॉब नज़र आ रहा है। ये जो सर्किल आपको नज़र आ रहा है, जो ये बॉल नज़र आ रही है, ये ग्रे का मतलब है अभी मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर ये मेरी रेड हो जाती है इसका मतलब मेरी जॉब फेल्ड हो गई है। बिल्ड जब मैं करूँगा इस काम को, बिल्ड का मतलब मैं उसे एग्जीक्यूट करा के देख रहा हूँ, उसे रन करा के देख रहा हूँ। तो अगर ये उसमें रन में फेल्ड हो गया, मेरा ये कमांड गलत है या कुछ भी कोई कोड गलत है, तो ये रेड हो जाएगा। रेड का मतलब है जी ये काम आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ये ब्लू हो जाता है इसका मतलब ये सक्सेसफुल हो गया, और अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अभी काम चल रहा है। ऐसे यहाँ पे वेदर होता है, वेदर रिपोर्ट शोइंग एग्रीगेट स्टेटस ऑफ रिसेंट बिल्ड, जैसे चमकता सूरज है इसका मतलब है कि आपका सारा काम बढ़िया हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ क्लाउडी आ जाता है इसका मतलब कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है। अगर क्लाउड के साथ साथ बिजलियाँ कड़क रही हैं इसका मतलब सारा काम फेल्ड हो गया आपका, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जेनकिंस का डैशबोर्ड है, आपको मज़ा आएगा करने में। अब आप इसे बिल्ड कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी बिल्ड का ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपने जो अपनी जॉब क्रिएट की है इस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वर्क स्पेस, बिल्ड नाउ, कन्फिगर, डिलीट प्रोजेक्ट, रीनेम। तो रीनेम भी आप कर सकते हैं, डिलीट भी आप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी आप कर सकते हैं। अब मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये अब डन कर दिया इसने कि ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो बिल्ड ये हो भी चुका है मेरे ख्याल से, बड़ी जल्दी इन्होंने बिल्ड कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है। लास्ट बिल्ड जो है मेरा 10 सेकेंड पहले हुआ है ये कहता है, तो वो मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ ये देखें। लेफ्ट साइड में आपको ब्लू कलर दिखा रहा है, यानी सक्सेस है। आप डिटेल चेक करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करें, आपको कंसोल आउटपुट नज़र आएगा। किसने इस बिल्ड को किया था, टेक्निकल गुफ्तगू ने किया था, रनिंग एज सिस्टम, ठीक है। बिल्डिंग इन वर्क स्पेस, कहाँ पर ये काम हुआ है, कहाँ बिल्ड हुआ है, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ में, सिस्टम 32, कॉन्फ़िग सिस्टम प्रोफाइल, ऐप डेटा, लोकल, जेनकिंस। वर्क स्पेस के अंदर आपको माई फर्स्ट जॉब नाम का एक फोल्डर दिखेगा जहाँ ये काम हुआ है, ठीक है। अब ये काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ ये देखें, फिनिश सक्सेसफुल। क्या काम करके देखा था हमने, हमने इको करके देखा था नमस्ते, जिसका आउटपुट आया था नमस्ते। तो इस तरीके से आप कंसोल आउटपुट में चेक कर सकते हैं मैंने क्या काम किया है, क्या एरर आया है, वो फाइल कहाँ बनी है। अब मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ, मैं माई कंप्यूटर में चलता हूँ, सी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ विंडोज़ में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सिस्टम में जाना पड़ेगा, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32, यहाँ पे आप कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाके आप सिस्टम प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ आप ऐप डेटा में जाएंगे, यहाँ लोकल में जाएंगे, यहाँ जेनकिंस में जाएंगे, यहाँ आप जॉब जेनकिंस में जाएंगे, और यहाँ देखें आपको ना नज़र आएंगी जॉब्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो माई फर्स्ट जॉब मुझे नज़र आ रही है। तो यानी ये फोल्डर यहाँ बन गया, मैंने काम यहाँ किया, लेकिन ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये नज़र यहाँ आएगा, लेकिन चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, सी ड्राइव में, उस फोल्डर के अंदर हो रहे हैं। तो ये काम आपको नज़र आ गया, मैं बैक टू प्रोजेक्ट आता हूँ। अब मैं अगर बैक टू इस डैशबोर्ड आ जाऊँ, अब यहाँ पे देखें ये ब्लू नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सक्सेसफुल है। अब मैं इस जॉब का नाम बदलना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैं ये नाम देना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, आप इसे रीनेम कर दें।
तो ये रीनेम हो गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं एक और प्रोजेक्ट बना के देखना चाहता हूँ, तो दोबारा से आप न्यू आइटम पे जाएं और यहाँ पे अब की बार आप कर दें माई सेकेंड जॉब, और अब आप दोबारा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट लें और ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पे फिर वही आप काम करके देखें, मैं दो तीन बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए छोटी छोटी बातें। ऐड बिल्ड स्टेप में जाएं, एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड करें, और यहाँ पे अब की बार आप ना इको, या मैं गलत कमांड दे देता हूँ, मैं सी एच ओ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो, और ये मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो मैंने ये कमांड सेव कर दी, क्योंकि ये कमांड गलत है, ये विंडो की सही कमांड नहीं है, सही कमांड इको होती है, सी एच ओ नहीं होती। तो ये क्या होगा, जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। तो मैंने डन कर दिया है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके, या एक बार यहाँ दोबारा आते हैं डैशबोर्ड पे, तो आपको ये अब दिखाएगा। ये देखें रेड आ गया, रेड मतलब ये फेल्ड हो गया, और बादलों के साथ बिजली कड़क रही है, मतलब आपका सब कुछ गलत है, ब्लंडर है, जाहिल आदमी हो आप, आपको पता ही नहीं है क्या करना है। अब मैं देखना चाहता हूँ यार एरर कहाँ पे है, तो आप अपनी माई सेकंड जॉब के ऊपर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में बिल्ड हिस्ट्री में आपको फेल्ड नज़र आ रहा है रेड कलर का, इस पर आप क्लिक करें, तो सॉरी ये बैक करें आप, और यहाँ इस डॉट पर क्लिक करें, तो ये देखे कंसोल आउटपुट आपको दिखाएगा कि आपने जो है ये कुछ काम किया, और टेक्निकल गुफ्तगू ने, और यहाँ पे सी एच ओ इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि ये कोई कमांड ही नहीं होती, इसका मतलब मैंने गलत कमांड वहाँ पे लिख दी है, और जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये फेलियर हो गया है, और फेलियर की वजह से मुझे वहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मुझे दिन में ही चांद तारे नज़र आ गए, क्योंकि ये बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो आपने भला गलत काम किया। अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाएँ, यहाँ पर जाके आप कन्फिगर में जाएँ, और कन्फिगर में जाके आपने जो काम किया है उसको आप जस्ट सही कर दें। तो इको कर दिया मैंने, अब सेव करके अप्लाई कर, सेव डायरेक्ट सेव कर दें आप, एक ही बात है। और अब मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने कमांड सही कर दी है, तो मैं इसे दोबारा बिल्ड करता हूँ, तो ये बिल्ड हो गई है मेरी, देखें यहाँ पर बिल्ड हो रही है, तो जो काम आपका हो रहा होता है वो यहाँ नज़र आता है। एक साथ ये दो बिल्ड कर सकता है, बाकी के सारे क्यू में रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है, एक टाइम में दो काम हो सकते हैं, मतलब दो बिल्ड आप कर सकते हो, दो जॉब को एक साथ बिल्ड करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते, अगर तीन है तो तीसरा यहाँ वेटिंग में रहेगा, जब एक काम पूरा हो जाएगा तब वो तीसरा भी यहाँ पे आ जाएगा, तो एक टाइम में आप दो बिल्ड कर सकते हैं। तो अब देखें मैं इसका स्टेटस चेक करूँ अगर, तो जस्ट मैं दोबारा डैशबोर्ड पर जाता हूँ, तो देखें अब की बार ये ब्लू हो गया, यानी कि काम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ना यहाँ पर चमकता सूरज नहीं आया, बादल आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि वन आउट ऑफ द लास्ट टू बिल्ड्स फेल्ड, ये कहता है दो में से एक फेल हुआ है, इसीलिए 50% आपका जो है ना सक्सेस रेट है, आपको देखे परसेंटेज में ना यहाँ पे 50 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने दो काम किए, एक सही हुआ एक गलत हुआ, तो मैं चमकता सूरज तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो कड़कती बिजली है वो हटा दी मैंने, है ना। तो इससे ये पता चलता है, अगर ये खाली क्लाउडी है इसका मतलब कुछ पार्ट आपका सक्सेस हुआ है, कुछ आपका फेल्ड हुआ है, जैसे कि इस केस में, हमारे केस में दो में से एक काम हो गया, एक बार वो फेल्ड हुआ था, इसीलिए 50% सक्सेस रेट है। यहाँ पे देखोगे तो 100% का सक्सेस रेट है, इसीलिए चमकता सूरज नज़र आया है, और अगर 0% सक्सेस रेट होगा तो यहाँ पे बिजली भी कड़कती आपको नज़र आएगी। तो कुछ इस तरीके का जेनकिंस का डैशबोर्ड होता है, जो बड़ा ईजी है, बड़ा दिलचस्प है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकें या आपको मुश्किल लगे, ठीक है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें क्या है, मैनेज जेनकिंस में हमने कैसे काम करना है, पीपल में यूज़र कैसे ऐड करने हैं, क्या होते हैं, तो ये देखें जैसे यहाँ पे सिस्टम है, एक एडमिन है टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से, ये कौन कौन से यूज़र हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, आने वाली लैब्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो इस लैब का पर्पज़ था वो यही था कि यार हमने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, गिट को कैसे हमने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जावा को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, मैवन को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर जेनकिंस को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। वो सारा काम करने के बाद मैंने आपको जेनकिंस में छोटे छोटे प्रोजेक्ट या जॉब कैसे उन पर मतलब करना, अभी ये मैंने कुछ करके नहीं दिखाया आपको, जस्ट आपको ये दिखाया है कि बिल्ड कैसे करते हैं, बिल्ड एक छोटा सा मतलब आपको एक कमांड चला के दिखाई है, उसका रिस्पॉन्स दिखाया है, ताकि आपको ये पता चले कि इस ब्लू बॉल का मतलब क्या है, इस सूरज का मतलब क्या है, इस बादल का मतलब क्या है। अब सपोज करें कि आप अपनी पुरानी जॉब में आपने जो काम किया है, जो कोड लिखा है, वही आपको किसी नई जॉब में भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कॉपी कर सकते हैं, आप पुराने प्रोजेक्ट को नए में कॉपी कर सकते हैं। कैसे, आप न्यू आइटम पे क्लिक करें,
अब यहाँ पे सपोज करें आपने नाम दिया इसको माई कॉपी प्रोजेक्ट या माई कॉपी जॉब, कि मैं इस पर कॉपी कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा लिया है। या इस बार आप इसको फ्री स्टाइल ना लें, क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं तो फ्री स्टाइल ही लेना हमने। हमने क्या लेना है, देखें नीचे आना है, लास्ट में ये ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम। कहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ माई फर्स्ट जॉब से मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप देखें सही स्पेलिंग डालेंगे तो ये दिखा देगा कि ये बना हुआ है पहले से, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैं कहता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो कुछ भी है वो आप कॉपी कर दो मेरे माई कॉपी जॉब में, और उसके बाद आप ओके कर दो। तो ये देखें, अब आप जब यहाँ नीचे आएंगे ना तो अपने आप देखें मैंने फर्स्ट माई फर्स्ट जॉब या फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था उस पर मैंने इको नमस्ते वाली कमांड लिखी हुई थी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ तो मेरा ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने कॉपी जॉब बनाया है इसके अंदर मेरी इको नमस्ते वाली फाइल कॉपी अपने आप हो गई है। अब मैं इसको बिल्ड करना चाहूँ मैं बिल्ड कर सकता हूँ, तो देखें डन हो गया है ये, तो बिल्ड भी मेरा हो चुका है। तो अभी ये जो है ग्रे है ये अपने आप ब्लू हो जाएगा, और मैं जस्ट आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से। डैशबोर्ड पर जाएंगे ना, देखें ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया, अब यहाँ पे भी चमकता सूरज आ रहा है, यानी कि नो रीसेट बिल्ड फेल्ड 100% सक्सेस है, इसीलिए चमकता सूरज आपका आ रहा है, आपका आउटपुट प्रॉपर आया है। चेक करना चाहते हैं कैसे करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ लेफ्ट साइड में जो बॉल नज़र आ रही है आपने यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ कंसोल आउटपुट में आपको नज़र आ जाएगा कि आपका जो है सक्सेस हुआ है। आपने क्या करके देखा था, आपने इको नमस्ते कमांड चलाई थी जो क्लियर हो गई है, यहाँ पे सक्सेस हो गई है, उसका आउटपुट नमस्ते आया है। अब यही चीज़ है, देखिए मैंने तीन जॉब बनाई है यहाँ पे। डैशबोर्ड पे मैं जाऊँ, माई कॉपी जॉब, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई सेकेंड जॉब। अब सी ड्राइव के अंदर ना ये तीन ही फोल्डर आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें माई कॉपी जॉब, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, कहाँ है ये, जॉब्स के अंदर, ठीक है। अभी तक एक ही था इसके अंदर, आपको याद है, पर देखो अब यहाँ तीन हो गए। क्यों, आप जो भी सारा काम कर रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा काम एक्चुअली हो कहाँ रहा है भाई, ये सी ड्राइव में हो रहा है, यहीं पे ये कॉपी हो रहा है, कॉपी कह लें या ये यहीं पे हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाएं और उसमें कुछ कॉपी पेस्ट करें, एडिट करें, तो वो एडिट जो है वो एक्चुअली आपको दिखा आपके सिस्टम पे रहा होता है, पर अपडेट कहाँ हो रहा होता है, पेन ड्राइव के डेटा में हो रहा होता है। जैसे कि आपको पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी तो यहाँ उसका डेटा नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने वो डिलीट कर दिया तो वो डिलीट एक्चुअली में कहाँ से हो रहा है, पेन ड्राइव से डिलीट हो रहा है, सिस्टम में तो वो डेटा था ही नहीं, सिस्टम से तो वो पेन ड्राइव कनेक्टेड है। तो ऐसे ही कुछ ये समझें कि आपका जो भी काम हो रहा है ना वो सी ड्राइव में हो रहा है, यहाँ पे दिख जरूर रहा है आपको लेकिन काम यहाँ नहीं हो रहा है, ये सारा काम एक्चुअल में कहाँ चल रहा है, सी ड्राइव में चल रहा है। तो आप यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे वो सी ड्राइव के आपके जॉब्स वाले फोल्डर में हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की लैब बड़ी अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी, और अब क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दो ढाई महीने हो चुके हैं, डेवऑप्स को ब्रेक लगा हुआ था, अब तक वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं अब ये CI/CD पाइपलाइन फिनिश करूं, कुबरनेट्स फिनिश करूं और डेवऑप्स को फिनिश करके फाइनली इस सीरीज़ को हम लोग फिनिश कर दें। 7-8 लेक्चर ले गए हैं, ऑलमोस्ट 7-8 लेक्चर में डेवऑप्स पूरा फिनिश हो जाएगा, तो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं फिनिश कर दूं। लेकिन आपने क्या करना है आप जानते हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलें अब बात को ना किसी खूबसूरत शेर के साथ, क्योंकि बहुत दिन हो गए शेर व शायरी करे हुए, तो किसी खूबसूरत शेर व शायरी के साथ ख़त्म करते हैं, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो आई होप यार आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सारा काम आवाज आपने करके देख लिया होगा, और सबसे बड़ी बात कि डेवऑप्स की सीरीज स्टार्ट दोबारा से हो गई है, इस बात की भी आपको बेहद खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में तो यार जरूर बताइएगा कि वाकई आपको ये लेक्चर समझ आया या नहीं आया, और उसके बाद ये भी जरूर बताइएगा कि आगे आप और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं अभी इसको बहुत जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा, और चलिए हमेशा की तरह बात को किसी खूबसूरत शेर व शायरी और गजल के साथ खत्म करते हैं। तो आज मैं आपको एक हमारे अमरोहा के एक शायर थे जो जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, जब अलग हुआ, तो जब दो मुल्क अलग अलग बन गए और हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए, तो वो कराची जाके बस गए, उनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा न था, दर बदर होने से पहले कभी सोचा न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, गौर फरमाइएगा इस शेर पे, याद रखे दुनिया मुझे तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरे तस्वीर में भर जाऊंगा।
लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। रास ना आई मोहब्बत मुझे वरना साकी, रास ना आई मुझे मोहब्बत वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। तो ये बड़ी अच्छी उनकी एक गजल थी जो मुझे पसंद आई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।